पुणे के पोर्शे कार एक्सीडेंट में अब एक नया मोड़ आया है। नाबालिग लड़के की जमानत रद्द कर दी गई है और उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। आज हम आपको बताते हैं कि उस रात पुणे की सड़क पर क्या हुआ था और कैसे इस मामले ने तूल पकड़ा। पुणे के कल्याणी नगर में 19 मई 2024 रविवार की सुबह शराब के नशे में धुत एक नाबालिग ने अपनी तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार से बाइक को टक्कर मारी, जिससे आईटी कंपनी में काम करने वाले दो लोगों की मौत हो गई। हैरान करने वाली बात ये थी कि शराब के नशे में धुत नाबालिग पोर्शे कार चला रहा था। पुणे के एक नामी बिल्डर का बेटा था और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अदालत ने उसे कुछ घंटों बाद इस शर्त पर छोड़ दिया कि पहली, वह 15 दिनों तक येरवडा ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करेगा, दो, रोड एक्सीडेंट को लेकर एक निबंध लिखेगा, तीन, भविष्य में दुर्घटना का शिकार लोगों की सहायता करेगा अगर वो किसी दुर्घटना का गवाह बनता है, चौथी, नशा मुक्ति केंद्र जाकर शराब छोड़ेगा। इस एक्सीडेंट में शिकार हुए अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा, जिनकी उम्र 24 साल थी, अपने दोस्तों के यहाँ से डिनर करके लौट रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार से आ रही पोर्शे कार ने उनको टक्कर मार दी। मध्य प्रदेश के रहने वाले अश्विनी कोस्टा अनीस अवधिया की गाड़ी के पीछे बैठी हुई थी। दोस्तों बोले आंटी आ जाइए, उसका एक्सीडेंट हो गया है। और मैं इसके आगे कुछ नहीं सुन पाई, मेरी हालत ही नहीं थी सुनने लायक, मेरी अभी भी कुछ हालत ठीक नहीं है। मैं खुद एक बीमारी से झेल रही हूँ, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, घर में कुछ हो जाता मैं खुद क्या करूंगी, इतना बड़ा सदमा से नहीं कर पाऊंगी मैं तो खुद। इस मामले में बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें नाबालिग आरोपी शराब पीता नजर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे से पहले नाबालिग ने एक पब में 48,000 रुपए भी खर्च किए थे। जानकारी के मुताबिक नाबालिग द्वारा चलाई जा रही पोर्शे कार का परमानेंट रजिस्ट्रेशन मार्च से पेंडिंग पड़ा हुआ था, क्योंकि कार के मालिक ने 1,768 रुपए का शुल्क नहीं चुकाया था। पुणे कार दुर्घटना मामले में 17 साल के नाबालिग आरोपी के पिता को बुधवार को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट ने उसे 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। वहीं आरोपी के पिता को कोर्ट से ले जाते समय कुछ लोगों ने कथित तौर पर पुलिस वाहन पर स्याही फेंक दी। पुलिस ने तीन और आरोपियों, अलग अलग रेस्टोरेंट के दो प्रबंधकों और एक मालिक को गिरफ्तार किया था। सभी को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही महाराष्ट्र आबकारी विभाग ने पुणे जिले आयुक्तालय के आदेश पर मंगलवार को उन दो रेस्टोरेंट को सील कर दिया जिसने आरोपी नाबालिग को शराब सर्व की थी। हमने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास एप्लीकेशन रिविजन के लिए फाइल किया था, जिसमें इस जुवेनाइल को एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए और इसको रिमांड होम में भेजा जाए। आज ऑपरेटिव ऑर्डर अभी हमको कम्युनिकेट किया गया है, उसको 14 दिन के लिए 5 जून तक रिमांड होम में भेजा गया है। एडल्ट के बारे में जो एप्लीकेशन हमारी थी उसके बारे में भी ऑर्डर नहीं आया है, डिटेल्स जो भी होगा हम आपको बताएंगे। किशोर न्याय बोर्ड ने पुणे में कार दुर्घटना में शामिल 17 वर्षीय किशोर की जमानत रद्द कर दी है, उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। जमानत के फैसले पर पुणे पुलिस के अनुरोध पर बोर्ड ने किशोर को तलब किया था। पुलिस का दावा है कि किशोर ने घटना के समय शराब पी रखी थी। आरोपित एक रियल एस्टेट डेवलपर का बेटा है। हादसे के बाद उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जहां से कुछ घंटे के बाद ही उसे जमानत मिल गई थी। जमानत के बाद ही इस मामले ने तूल पकड़ ली थी। किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपित को उसके दादा के आश्वासन के बाद जमानत दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपित के दादा ने आश्वासन दिया था कि वे बच्चों को किसी भी बुरी संगत से दूर रखेंगे तथा उसकी पढ़ाई पर या कोई व्यवसायिक पाठ्यक्रम कराने पर ध्यान देंगे जो उसके करियर के लिए उपयोगी होगा।